ऊपर जो वारंटी जैसे 3-3 महीने वारंटी वाले 8-8 से भी स्टार्ट है हमारे पास, 8-8 हज़ार में मिल जाते हैं 3 महीने वारंटी वाले। ये जो अपना जोटेक का 3070 है ये आपका 20,000 रुपए का है। अब बात करते हैं 3060 की, क्या चल रहा है उसका प्राइस? जैसे ये पड़ा आपके पास, ओके, ये 3060 है, 12 GB में आता है, ये गीगाबाइट का ट्रिपल फैन है। तो ये कार्ड जो है अपने पास अभी 17,000 रुपए का आता है, ठीक है। बाकी दो फैन वाले जो कार्ड है वो आपका 16,000 के रेंज में आ जाता है। आरएमएन कार्ड वगैरह आ रहे हैं और सीरीज के, ठीक है, वो भी आपको जो मार्केट से कम से कम 10-15 हज़ार के रेंज में नीचे मिल जाएगा। तो न्यू कार्ड है हमारे पास, सारे ऐसे कंडीशन मिलेंगे आपको। ये देखिए कंडीशन के लिए तो बेफिक्र रहिए आप, कंडीशन प्लस वारंटी और सर्विस ये चीज के लिए हम बैठे। व्हाट इज अप गाइस, दिस इज दीपांशु बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस मैं भी आया हूं यार, आप पीछे देख सकते हो गेमर फैक्ट्री। तो कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, बताओ कैसा चल रहा है? बस चल रहा है, बस। क्या क्या डील कर रहे हो आजकल आप, थोड़ा बताओ। अभी तो सर सब कुछ है हमारे पास, सिस्टम से लेकर ग्राफिक कार्ड तक A to Z चीजें हमारे पास। मतलब पीसी भी ले सकते हैं, पुराना भी नया भी, और क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ग्राफिक कार्ड से बात करते हैं, क्या क्या रखा हुआ है, मतलब सारे बेसिक से लेकर हाई एंड तक सब कुछ अवेलेबल है? सारे कुछ हमारे पास ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी में भी और प्राइस में भी, ठीक है, प्लस वारंटी भी। वारंटी भी, और सब कुछ चेक करने वाले हैं गाइस कि कौन कौन से कार्ड कितने प्राइस में है। तो एक बेसिक कार्ड की बात करें, शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्टिंग हो रही है सर? देखिए सर, बेसिक कार्ड आपके सामने रखे होंगे, ये देख रहे होंगे 710 वगैरह होते हैं, ठीक है। ये सबसे बेसिक कार्ड होते हैं जो जिन बंदे को मतलब ओनली डिस्प्ले के लिए चाहिए होता है ना, मतलब मान लो एफ वाला प्रोसेसर होता है जिसका, या राजन के नॉर्मल होते हैं एक्स वाले या नॉर्मल वाले, इसमें डिस्प्ले नहीं आता है, वो बंदे यूज करते हैं। सिर्फ डिस्प्ले कार्ड होता है 710 होता है, जो मात्र 1500 रुपए में आपको सेकंड मिल जाता है। ये गैलेक्सी का है, बाकी जेब्रोनिक वगैरह लेंगे तो उतने में तो नया मिल जाता है, तो जेब्रोनिक तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें इसकी तो कुछ वारंटी वगैरह होती है इनका पुरानों की? सब में वारंटी होता है, सब वारंटी होता है, ठीक है। तो कितनी वारंटी मिलेगी इसका? अच्छा, ये जो है आउट ऑफ वारंटी वाले कार्ड होते हैं वो आपके 1000 रुपए का आता है, ये ऑफिशियल वारंटी में 6 महीने बचा हुआ है, तो ये 1500 रुपए का आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी 710 की। अब इसके बाद बात करते हैं 730 वगैरह कुछ। 730 वगैरह आता है, जेब्रोनिक का आता है 3-3 हज़ार रुपए समथिंग, 2800-3000 के बीच में 730 आ जाता है, 4-3 साल वारंटी के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर सीधा 1650 या 1050 Ti कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है? 1050 Ti भी आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी राइट नाउ अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है, एक दो दिन में आ जाएगा 1050 Ti भी, 1050 Ti, 1060, 1070, ये सब कार्ड भी हमारे पास सब में वारंटी 1 मंथ रहती है, ठीक है। बाकी अगर आपको जैसे कि ये कार्ड आप लेना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं तो भाई रिकमेंड ये करूंगा कि 10 सीरीज छोड़ के आप 16 जैसे ये कार्ड मेरे पास पड़ा हो गया, Ti हो गया, ये 1660 सुपर है या 1660 Ti है, ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे प्राइस में मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या है ना कि कंपनी से वारंटी है, और इसमें क्या है खराब भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे पास लेके आओगे खराब हो गया तो आपको सरेंडर जाने की जरूरत भी नहीं है, मेरे पास ले आना, मैं करवा के दे दूंगा आपको। तो अब जैसे ये कार्ड रखा हुआ है हमारा MSI का एक, इसका क्या प्राइस है ये जो रखा है हमारा? जैसे ये है ना, ये आपका 6600 XT है, ठीक है, आप कार देख सकते हैं कंडीशन। इसमें वारंटी जो बची है 1 साल 8 महीने की वारंटी बची है इसके अंदर प्रॉपर, ये ब्रांड से कंडीशन मतलब आप चाहो तो थोड़ा पास कर लो भाई, ठीक है। ये देखो कंडीशन एकदम जेन्युइन न्यू कार्ड लग रहा है एकदम, बिल्कुल आरएमए कार्ड है, हम कोई भी जंग लगा हुआ कार्ड नहीं बेचते, कंडीशन गारंटी देता हूँ मैं, कंडीशन प्लस क्वालिटी और प्राइस, ये 3 चीज गारंटी देता हूँ मैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इन चीजों में, ठीक है। और ये सेम है ये वाला भी? हाँ, ये इसका दूसरा मॉडल है, ये ये मिनी है, ये मैक में आता है, ठीक है। आपका ये भी 6600 XT है, ठीक है, मेरे पास अभी 6600 भी पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो ये 6600 भी रखा हुआ है, इसका भी अच्छा क्वालिटी है, इसमें भी वारंटी 1 साल बची हुई है। तो बात करें भाई इसके प्राइस की, इसका प्राइस क्या बताया आपने? इसका प्राइस जो अभी राइट नाउ है ये 15,500 रुपए, ठीक है, 15,500 रुपए जी, ठीक है। तो इसके बाद 1660 सुपर की प्राइसेस वगैरह क्या चल रही होंगी इस समय? 1660 सुपर की जो प्राइस है मेरे पास 10 से लेके 11 के बीच में है, ठीक है। बाकी एक मॉडल जैसे मेरे पास पड़ा हुआ है ये वाला, अब ये देख सकते हैं सील पैक कार्ड है, ठीक है, बट ये आरएमए सील पैक है, प्रॉपर न्यू नहीं है, इसमें वारंटी जो आपकी बची हुई है 1 साल है। ये नॉर्मल मॉडल से अपर मॉडल है, ये X2 होता है, ठीक है। ये अपना जो सील पैक वाला है ये आपके 12,000 रुपए का आते हैं, इसकी वारंटी 1 साल मिलेगी आपको, आप सील देख सकते हैं प्रॉपर कंपनी का सील है, ठीक है ना, ये कार्ड आपको मिल जाएगा मतलब 12,000 के रेंज में, 12,000 के। तो अब बात करते हैं जैसे हमारे काफी कार्ड आते थे 1063 GB, 1066 GB, RX 570, 580, ये भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं या ये तो? आते हैं लेकिन कम है? आते हैं क्योंकि है। इनकी ना तो ये खरीदने चाहिए भी या नहीं खरीदने चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो बजट के हिसाब से तो खरीदने चाहिए, लेकिन उसमें क्या है कि वारंटी वगैरह नहीं आती है, मान लीजिए ग्राफिक कार्ड खराब हो जाता है आपका, फिर रिपेयर के चांस बहुत कम होते हैं, 10% चांस होते हैं रिपेयर के। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि इससे अच्छा है आप 1660 सुपर पे जाएं, 1660 सुपर जो वारंटी जैसे 3-3 महीने वारंटी वाले 8-8 से भी 60 है हमारे पास, 8-8 हज़ार में मिल जाते हैं 3 महीने वारंटी वाले, बट ये है कि ये रनिंग मॉडल है तो इनके क्या होता है अगर खराब भी होता है ना तो इनके चिप वगैरह जो है इजिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो पुराने सीरीज में के चिप वगैरह अवेलेबल नहीं होते,
तो अब बात करते हैं 20 सीरीज में कुछ कार्ड अवेलेबल होते हैं, 2060 हो गया, 2080 सुपर हो गया, आराम से सारे कार्ड मिलते हैं, 2060 है, 2060 सुपर है, 2070, 2070 सुपर, हमारे पास स्पेस नहीं है लगाने का, ये तो सारे कार्ड लगा देता हूं। तो प्राइस वगैरह क्या रहता है 2060 अगर कोई ले, 2060 आपका 12,000 रुपए का मिल जाता है, 2060 सुपर आपका 14,000 से 15,000 के बीच मिल जाता है, और फिर 2070 भी आपको 15 का मिल जाता है, 2070 सुपर जो है वो 16,000 के समझ मिल जाता है। तो मैं अगर मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, ये कार्ड जैसे कुछ किसी तो ब्रांड से वारंटी होती है, किसी किसी की नहीं होती, तो आप एक महीने की वारंटी प्रोवाइड करते हो या 6 महीने की करते हो? मैं कंडीशन के हिसाब से वारंटी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मान लीजिए तो मोस्ट ऑफ कार्ड हमारे पास जो मिलेंगे आपको सारे ऑफिशियल वारंटी वाले मिलेंगे, मतलब कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि हमसे कार्ड ले लिया तो भाई वारंटी हमारे पास आना नहीं है। अगर आपके आसपास वेंडर है आप वहां पे जाइए, नहीं है आपको टाइम नहीं है हमारे पास, तो आपके पास कोरियर करवा दीजिए, या फिर जैसे भी मर्जी वो गारंटी हम लेते हैं, आप हमको भेजो हम करा के देंगे आपको, ठीक है, आपके टाइम की बचत हम करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं 3060 की, क्या चल रहा है उसका प्राइस अभी? जैसे ये पड़ा आपके पास, ओके, ये 3060 है, 12 GB में आता है, ये गीगाबाइट का ट्रिपल फैन है, तो ये कार्ड जो है अपने पास अभी 17,000 रुपए का आता है, बाकी दो फैन वाले जो कार्ड है वो आपका 16,000 के रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो इनकी वारंटी वगैरह रहती है कुछ 3060? जैसे इसकी वारंटी पूरी अभी जो है एक साल बची हुई है कंपनी से, और जो अगर डबल फैन आता है, हमारा टू फैन आता है, उसका क्या होता है? 16,000 रुपए कम होता है बस, 16,000 का मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसी के बाद बात करते हैं हमारे 3060, मेरे को बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, 3060 Ti का मैं बहुत सारा अभी ऑफर लेके आया हूँ, आप देख सकते हो क्वांटिटी क्वांटिटी इधर पड़े हैं, नीचे पड़े हुए हैं, ऊपर इस तरह के पड़े, ये पड़े 3060 Ti, ये सब भरे हुए कार्ड है, ठीक है, डब्बे नहीं है खाली। ये जो है इसमें अभी वारंटी जो बची है एक साल 3 महीने की वारंटी है, ये सब में वारंटी बची है प्रॉपर। इसका जो मैं अगर बोलूं प्राइस की, तो मैं अभी जो दे रहा हूँ 18,000 रुपए का मैं दे रहा हूँ, ठीक है, अठारह हजार बहुत बेस्ट कार्ड है इसकी, जो मेरे पास ही बहुत सारा पीस पड़ा है 3060 Ti, बाकी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है ये कार्ड, ओके। तो 3060 Ti वारंटी में है गाइस, आप आगे ले सकते हो, इस समय काफी चल रहा है मार्केट में भी। और इसके बाद बात करते हैं हमारा 3070, तो भैया 3070 का क्या चल रहा है आजकल? 3070 जैसे ये पड़ा मेरे पास, 3070 जो है, ठीक है, ये जो अपना जोटेक का 3070 है, ये आपका 20,000 रुपए का है, जिसमें आपकी 6 महीने की वारंटी रह रही है, अभी ये 20,000 से 22,000 के रेंज में मिलता है, क्योंकि 3070 जो है अलग अलग मॉडल, जैसे ये है ये 20,000 रुपए का डबल फैन, और मेरे पास है ये भी आपका 20,000 रुपए का ही आता है MSI का। और जैसे मान लो ये टॉप मॉडल थोड़े आते हैं ना MSI के, ठीक है, गेमिंग एक्स ट्रायो, ये आपका है 22,000 रुपए का, इसमें भी वारंटी आपकी 6 से 8 महीने की रह रही है। और जैसे इसमें और भी मेरे पास मॉडल अवेलेबल है, आसूस का जो आता है टफ, आसूस टफ, ठीक है, इसमें भी आपकी सेम है, सेम वारंटी है। तो भैया मेरा एक सवाल था जी, जैसे कोई कार्ड है जैसे मान लो 3070 हुआ, हाँ। अब इसी में किसी को कोई दूसरा ब्रांड चाहिए, वो अवेलेबल हो जाता है, जैसे आपके पास जोटेक है या फिर आप अवेलेबल करा देते हो, कलरफुल है, MSI है, गीगाबाइट है, तो अवेलेबल हो जाते हैं सारे? अवेलेबल तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ऐसे थोड़ी बैठे हैं, ठीक है, अवेलेबल तो कुछ भी हो जाएगा, बट वही है कि देखिए मेरे पास जो चीजें रहेंगी उसकी प्राइस की मैं गारंटी देता हूँ। और ये होता है कि मान लीजिए आपका कार्ड है, अब आप क्या रेट दे रहे हो मेरे को, उसमें थोड़ा कस्टमर का बजट आपका ऊपर हो जाता है, ठीक है। बाकी मेरे पास तो सारे मोस्ट ऑफ कार्ड हैं अभी, और बाकी अगर नहीं होता है तो कार्ड में एक दो दिन का टाइम देंगे मेरे को, तो मैं अच्छे रेट में आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और अब बात करते हैं ये जो हमारा कार्ड रखा हुआ है Inno 3D, भाई बहुत भारी कार्ड है, और मतलब सच में सब में कार्ड्स रखे हुए हैं, जैसे ये आप देख रहे हो बहुत ज्यादा, खोल के दिखा दो, आप ही दिखा दो भैया, अभी किसी को लगे कि भाई वो सीधा डब्बे रखे हुए हैं। तो ये देखिए ये जो कार्ड है, ये कार्ड जो है पूरे पूरे मेरे पास पड़े हैं RMA वाले कार्ड हैं सारे, मतलब सब में वारंटी एक साल से प्लस वारंटी है। ये देखिए सारा RMA कार्ड करा कर रखा हुआ, ताकि आपको तकलीफ ना हो, एकदम ब्रांड न्यू कार्ड है पीस। ये 3070 Ti जो है आपका सिर्फ मात्र 25,000 रुपए में ये है, बाकी जैसे ये तो खुला हुआ है RMA में, ये भी RMA है बट ये खुला हुआ है, सीलिंग में खुली हुई थी, ठीक है। इसमें मेरे पास दो पीस पड़े हैं सील पैक और नए वाले हैं, नए बिल्कुल हैं, ठीक है। वारंटी ये है कि ये कार्ड जो है 3060 सीरीज कार्ड जो है मरने बंद हो गए हैं भाई, डिस्कंटिन्यू कर दिए हैं, तो आप कहीं से भी लोगे वारंटी आपको इतनी ही मिलेगी, मतलब साल डेढ़ साल दो साल यही वारंटी मिलेगी आपको, इससे ज्यादा वारंटी नहीं मिलेगी। बाकी जो वो कह रहे हैं कि भाई इसमें 3 साल वारंटी है, तो भाई वो पता नहीं कहाँ से लाके देंगे, सील पैक वालों की क्या प्राइस रहेगी? ज्यादा नहीं, बस 2,000 रुपए ऊपर है, ठीक है। 27,000 क्या? 27,000 में आपको सील पैक कार्ड दे दूंगा, ठीक है। 27,000 का आपको पुराना, मतलब जो मतलब आपका पूरा ये भी RMA ये वाला, ये भी नहीं कार्ड है बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हमारा 3080, वो उसका क्या प्राइस चल रहा है इस समय? 3080 ये लगा आपके सामने, ठीक है। ये कौन सा कार्ड है हमारा? जोटेक का M4, ठीक है।
ये भी अभी है हमारे पास, क्वांटिटी में काफी है, क्वांटिटी आपकी उधर रखी हुई है। ये जो कार्ड मात्र मैं आपको दे दूंगा 30,500 रुपए प्लस, मतलब आपके यहाँ पहुंच जाएगी 30,500 मात्र में, आपके घर तक पहुंच जाएगी। और इसकी क्या वारंटी वगैरह रहती है? वारंटी इसकी दिसंबर तक वारंटी बची। इसके बाद बात करते हैं हमारा 3080 Ti, वो आ रहा है या फिर वो भी? नहीं, वो भी आता है, ऐसा नहीं आता है। उसका क्या प्राइस होगा? जैसा इसका 30,500 है, उसका आपको वो मिल जाएगा, आपको 40,000 तक मिल जाएगा, 40,000 तक। और जो हमारा इसका ही सबसे बिग डैडी कार्ड है हमारा 3090, उसका क्या प्राइस चल रहा है इस समय यूज में? 3090 का जो प्राइस चल रहा है वो आपको 55,000 से लेकर 60,000 के बीच में मिल जाता है। ठीक है, डिपेंड मॉडल पे डिपेंड करता है कि आप कंडीशन कैसी है, उस पे डिपेंड करता है, वारंटी सब में रहे। तो गाइस ये हो गई हमारी पूरी 30 सीरीज। अब थोड़ा नए सवाल भी पूछ लेते हैं, तो 40 सीरीज के भी कार्ड वगैरह आ रहे हैं अभी मार्केट में यूज में? 40 सीरीज के कार्ड जो है आरएमएड वाले आ रहे हैं मार्केट में, पुराना तो सर अभी लॉन्च ही हुआ है, वो भी जो बंदे भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कोई दूसरा सीरीज लॉन्च होगा तो वो भी आना शुरू हो जाएंगे सेकंड हैंड में, बट आरएमएड कार्ड वगैरह आ रहे हैं 40 सीरीज के, तो वो भी आपको जो मार्केट से कम से कम 10-15,000 के रेंज में नीचे मिल जाएगा अगर अवेलेबल हुआ तो। और 40 सीरीज के कार्ड जानने के लिए ना मैं आपको अपने ग्रुप का लिंक दूंगा, वो बहुत जरूरी है। आप सारे सिस्टम में या जो भी प्राइस हमारे क्या चल रहे हैं नेट पे से, ये सब प्राइस वगैरह रोज अपडेट होती है, ठीक है, और सारे प्राइजेस कंपोनेंट सिस्टम से हमारे पास प्रीबिल्ड रोज पीसी बिल्ड होते हैं हमारे पास, कुरियर आप देख सकते हैं नीचे रखा हुआ है, रोज के रोज कुरियर जाते हैं हमारे पास। और सर लेकिन अभी ये है कि सीओडी अवेलेबल नहीं है मेरे पास फिलहाल अभी, सीओडी नहीं है, तो प्रीपेड करनी पड़ेगी। प्रीपेड करनी पड़ेगी। प्रीपेड में ये है कि मान लीजिए कुछ भी आपके घर तक की सारी गारंटी हमारी रहती है, प्लस शिपिंग फ्री है, कुछ भी दिक्कत आती है आपके घर तक पहुंचने तक वो हम बैठे हैं, दुकान सर आप देख ही रहे हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। और पेमेंट वगैरह जो भी करना होगा आपको वो मैं खुद दूंगा, ठीक है, उसमें अपने तीन मेरे दोस्त हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं, मतलब वो एक संदीप है, एक सादिक है और मैं हूँ सुरेश, हम तीन बंदे हैं जो पूरा कंपनी संभाल रहे हैं, ठीक है। तीसरे के अलावा कोई चौथा बंदा को पेमेंट के लिए कोई भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना है। संदीप, सादिक और मैं सुरेश, ये तीन बंदे ही जो है पूरा कहीं पूरा संभाल रहे हैं, ठीक है। और आप सुबह डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे देंगे आप, तो भैया आप थोड़ा पीसी की भी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो जैसे अगर आप पीसी वगैरह भी बनाते हो, यूज भी आपके पास आते हैं, यूज तो न्यू भी सारे, तो थोड़ा बताओ इस पीसी के बारे में बताओ। जैसे ये पीसी जो है प्री बिल्ड रखा हुआ है मैंने, राइजन 5 है, 3600 है ये, ठीक है, B450 मदरबोर्ड लगा है, वाईफाई वाला है, ठीक है, 16 GB की रैम है, 512 GB NVMe है इसमें, 600 वॉट की पावर सप्लाई है, और इसके अंदर जो है बस दो चीजें पुरानी है, मदरबोर्ड प्रोसेसर, बाकी A to Z चीजें न्यू लगी हुई है, ठीक है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मात्र 25,000 रुपए का पीसी है, 25,000। और आप कैबिनेट में दिखाता हूँ, रिमोट वाला कैबिनेट है, ठीक है। ठीक है, आप चाहो तो मैं ये से लाइट चेंज करके दिखाता हूँ, ये देखिए ब्लू रेड देखना चाहिए, ये लीजिए रेड, पिंक, ये ला पिंक, ग्रीन, अब ये देखिए ये रिमोट वाला कैबिनेट, काफी शानदार कैबिनेट लग रहा है। और इसके साइड में ये पीसी भी रखा हुआ हमारा, तो इसका भी आप थोड़ा बताओ। ये पीसी अभी बना नहीं है प्रॉपर, ये अभी बनी रहा है, ठीक है। ये आपका i5-12400F के साथ बनेगा, मतलब बोर्ड है, इसके अंदर वाईफाई वाला है 610 और 16 GB रैम इसमें भी है, 512 GB NVMe है, 650 वाट की MSI की पावर सप्लाई लगी है। ये आपका जो रहने वाला है 32 से 34 के बीच में ये बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको पीसी वगैरह भी लेने हैं तो आप पीसी भी ले सकते हो, आपको सिंगल एक ग्राफिक कार्ड भी लेना है आप वो भी ले सकते हो, सिंगल आपको कुछ भी लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस दे रखा है। एक बार भैया एड्रेस बताओ कहाँ आना है, अगर कोई विजिट कर रहा है दिल्ली में ही रह रहा हो, गुड़गांव में रह रहा हो, NCR में, गाजियाबाद में, कहीं से भी? तो एड्रेस जो मेरा है ये नेहरू प्लेस में है, न्यू दिल्ली नेहरू प्लेस, 208A विशाल भवन, ठीक है, नियर ये मोदी टावर की तरफ साइड रहेंगे तो सामने बिल्डिंग पड़ती है अपना विशाल भवन, 208A सेकंड फ्लोर पे अपना है ये ऑफिस, 208A, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए आपको अगर आप दिल्ली में ही हैं फिर तो आपको आने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो वीडियो कॉल वगैरह में टेस्टिंग कर सकते हो कार की, फिर पेमेंट करने के बाद आपको पोर्टर, यूबर, रैपिडो ये सबसे भिजवा देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो उसके लिए कोरियर ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि नेपाली जो कोरियर नेपाल भी जा रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया हमारे पास सर्विस है कोरियर की, बट सर यही है कि पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, सीओडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, सबसे सस्ता पीसी जो हम बना रहे हैं, अच्छा हमारा एक पीसी रह गया ये, जो ये रखा है ये दिखाओ जरा थोड़ा, ये देखो कितने का, ये 10,000 का तो नहीं है, उससे भी सस्ता? अरे उससे भी सस्ता, कितने का दे रहे हो? मात्र हम आपको 6,000 रुपए में देंगे, 6,000 रुपए का पीसी, बिल्कुल, वो भी i5 के साथ, 8 GB रैम और 128 GB SSD के साथ दूंगा मैं आपको ये पीसी, प्लस
दो साल की वारंटी के साथ, दो साल की वारंटी ठीक है। अगर कोई दिक्कत आए बीच में तो वापसी वो हम है ना सर। चलो फिर वो आपके वो तो बस सर्विस की दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये पूरा दो साल की वारंटी के साथ है, मात्र 6000 रुपए में। इसके साथ में आपको एक आरजीबी कीबोर्ड फ्री, कीबोर्ड माउस पावर केबल फ्री, सब कुछ मतलब है। बस घर पे जाओ, चलाओ, पावर ऑन करो, स्टार्ट करो। बाकी गेमिंग सिस्टम के लिए भी मेरे पास कुछ कस्टमर हैं, जो 10 कस्टमर आएंगे आपकी वीडियो से पहले, ठीक है, जो गेमिंग सिस्टम लेंगे उनके लिए गेमिंग हेडफोन जो लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है, चॉइस कीजिए और लेके जाइए, ठीक है। हेडफोन्स भी हैं, मतलब कीबोर्ड माउस गेमिंग हेडफोन फ्री। तो गाइस आप देख सकते हो काफी अच्छी है भैया की शॉप है, द गेमर्स फैक्ट्री जी। तो आप आ सकते हो विशाल भवन 208A नेहरू प्लेस में, दिल्ली में रहते हो कहीं आसपास है तो विजिट कर लो। आपको कुछ कुछ लोगों को होता है कि देख के खुद जाके विजिट करके लेना पसंद करते हैं, तो आप आ सकते हो। अगर आप कहीं बाहर से भी रहते हो तो भैया का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस दे रखा है, स्क्रीन पे भी आपको नंबर आ रहा होगा, फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, ग्रुप भी आपका कोई ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम का भी है, सब कुछ दे दूंगा। एक चीज और कहना था, जैसे कि मान लो आपका पीसी है थोड़ा दिक्कत कर रहा है, हीट हो रहा है, गर्मी का टाइम आने वाला है, तो आपको लगाना है लिक्विड कूलर, ठीक है, 240 mm, जिससे आपका पीसी जितना ही ठंडा रहेगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो उसके लिए आप चाहो तो मेरे पास छोटे मोटे काम भी करना आना चाहो आ सकते हो, सर्विस कराना हो, कुछ भी कराना हो, आप सब किसी लिए मेरे पास आ सकते हो पीसी के लिए। ये लिक्विड कूलर जो होता है ये सिर्फ 1400 rupees का आता है, लगाने के कोई चार्जेस वगैरह नहीं है मेरे पास। मान लीजिए अगर पावर सप्लाई खराब हो गई है तो पावर सप्लाई भी मेरे पास अच्छी खासी स्टॉक होते हैं, 850 वाट, 1000 वाट, 600 वाट, जितने वाट चाहिए सारे पावर सप्लाई भी मिल जाते हैं, मदरबोर्ड, रैम, A to Z एक्सेसरीज, जो भी अगर आप चाहो अपग्रेड करना चाहो, अपना पीसी सेल आउट भी करना चाहो तो वो भी हम बाय करते हैं, आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, सब में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, अपडेट करने के लिए भी और नए बनाने के लिए भी। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन पीस आउट।